कामयाबी के सफर में धूप बड़ी काम आती है, अगर छाव मिलने लगे ना तो हम सभी क्या है सो ही जाएंगे। और सही बात है, अगर कामयाबी के रास्ते पर अगर आप चल रहे हो तो कहीं ना कहीं आप सभी को कष्ट तो करना ही पड़ेगा। अगर आराम मिलने लगे तो क्या होंगे, हम सुस्त हो जाएंगे, हमें नींद आने लगेगा। तो जो रास्ता है सक्सेस का, वहां पर मुश्किल आता ही आता है और उससे आप सभी को बिल्कुल भी घबराना नहीं है। क्लास को स्टार्ट करूंगा और पहले बोल दूं, 1, 2 और 3 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो है अभी कवर करने वाले हैं, क्योंकि अगर ये कल सुबह मैं देता तो डायरेक्ट 4 दिन की क्लास बहुत ज्यादा लंबा हो जाता। और उम्मीद कर रहे हैं अब से कंटिन्यू आप सभी को जो है वो क्लास सुबह में 4:30 बजे जो है वो मिल जाएगा। और आप किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट जो है हमारे एप्लीकेशन को गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद सक्सेस की 98 को आप फोन के ऊपर हर एक एग्जाम का मॉक टेस्ट दे सकते हैं, या फिर वो रेलवे का कोई सा भी एग्जाम हो, एसएससी का या फिर बैंक का। अगर वहां से अगर सालाना वाला पैकेज लेते हैं 349 वाला, तो इसके साथ 1 साल तक आपको कोई भी एग्जाम का मॉक टेस्ट नहीं खरीदना है। हर एक एग्जाम का मॉक टेस्ट कम से कम 20-25 दिया जाएगा ताकि आप एग्जाम से पहले अपने आप को जज कर पाओ। तो देखते हैं पहला प्रश्न हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और पहला प्रश्न है, किस संस्थान ने COVID-19 यानी कोरोना वायरस के दौरान दूर संचार नेटवर्क की सुरक्षा के लिए ग्लोबल नेटवर्क रिसलेंसी प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया है, ये आपको बताना है। कौन सा संस्थान है जिसने COVID-19, आप सभी को पता है जिसका प्रकोप जो है वो सर चढ़ कर बोल रहा है, इसके दौरान जो है ना जितने भी आप सभी के ग्लोबल नेटवर्क है, दूर संचार नेटवर्क है, उसकी सुरक्षा करने के लिए ग्लोबल नेटवर्क रिसलेंसी प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया गया है आपका इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ के द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, केंद्र सरकार ने रेलवे के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के लिए किस देश के साथ जो है वो समझौता एक डील साइन किया है। रेलवे के क्षेत्र में जो है वो तकनीकी सहयोग के लिए इंडिया ने किस कंट्री के साथ हाथ मिलाया है, ये आपसे पूछा है। और इंडिया ने हाथ मिलाया है आपका जर्मनी के साथ, ऑप्शन नंबर सी। और जर्मनी का कैपिटल क्या है, तो बर्लिन। जर्मन का मुद्रा वहां पर क्या इस्तेमाल करते हैं, तो यूरो। और वहां के राष्ट्रपति कौन है, फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर। और आप सभी को पता है ना जर्मन के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने सुसाइड कर लिया, क्योंकि वहां की इकोनॉमी को वो संभाल नहीं पाए। और कोई क्या कर सकता है, कोरोना वायरस के आगे सभी जो है वो नकारे साबित हो रहे हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस बैंक ने COVID-19 से निपटने के लिए जितने भी छोटे छोटे उद्योग है, जितने भी छोटे छोटे बिजनेस है, एग्रीकल्चर है, जितने भी रिटेलर है, उनके लिए जो है वो क्रेडिट सपोर्ट जो है वो प्रदान करेगा। तो किस बैंक ने ये फैसला किया है, तो वो बैंक है आपका कैनरा बैंक, ऑप्शन नंबर आपका सी। और कैनरा बैंक की बात करूं तो वहां के अध्यक्ष चेयरपर्सन कौन है, तो वो है आपके TN मनोहरन। और टैगलाइन क्या है कैनरा बैंक का, तो वो है आपका टुगेदर वी कैन। और हेडक्वार्टर आपका क्या है, तो वो है आपका बेंगलुरु। अगला प्रश्न हमारे सामने है, केंद्र प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के नए सदस्य के रूप में किसे चुना गया है, उनका नाम बताना है। और दो लोगों को चुना गया है, तो दोनों लोगों का नाम याद रखिएगा, पहला तो आपका सतीश कुमार गुप्ता और दूसरा आपका ऑप्शन नंबर सी KM प्रसाद, जिनका पूरा नाम है कृष्णा मोहन प्रसाद, ठीक है। और इसका पूरा PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर हमारे टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने, यूनाइटेड लॉन्च अलायंस ने अमेरिका के स्पेस फोर्स के लिए अपने पहले मिशन के कैंप कैनावेरल एयरफोर्स स्टेशन से जो है वो स्पेस लॉन्च, इसका नाम याद रखिएगा, कौन सा स्पेस लॉन्च है, तो वो है आपका स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 41। इस स्पेस से जो है वो कौन सा रॉकेट लॉन्च किया है, उस रॉकेट का नाम बताना है। और वो रॉकेट है आपका Atlas 5, ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत ने
रीयूनियन द्वीप से किस देश के साथ जो है वो संयुक्त गश्ती अभ्यास जो है वो किया है? तो यह किया गया है फ्रांस के साथ, ऑप्शन नंबर आपका बी। और फ्रांस का राजधानी क्या है? तो वो है आपका पेरिस। फ्रांस का मुद्रा, तो वहां पर दो मुद्रा इस्तेमाल करते हैं, एक तो आपका यूरो और दूसरा आपका सीएफपी फ्रैंक। और वहां के राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो वो है आपका इमानुएल मैक्रोन। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारतीय सेना ने यानी इंडियन आर्मी ने कोविड 19 के प्रसार से लड़ने में सरकार की मदद करने के लिए ना कौन सा ऑपरेशन जो है वो शुरू किया है? तो इंडियन आर्मी के द्वारा जो ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है उनका नाम क्या है? याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन कोविड 19 के ऊपर आ रहे हैं। और उस ऑपरेशन का नाम दिया गया है ऑपरेशन नमस्ते, ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, पूर्व केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा, बहुत बड़ा नाम पॉलिटिक्स के क्षेत्र में, क्योंकि 1996 से 2014 तक लोकसभा के मेंबर रह चुके हैं। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? तो वह उत्तर प्रदेश की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसके सदस्य थे। ठीक है, अखिलेश यादव, नाम सुने हैं ना अखिलेश भैया। अगला प्रश्न हमारे सामने, कोविड 19 रोगियों को भोजन और दवाई वितरित करने के लिए किस सरकारी अस्पताल ने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, ह्यूमनॉइड रोबोट का परीक्षण किया है। अब यहां पर क्या है, पहले आप ये भी समझ लो, आप सभी को पता है जो कोविड 19 है ये एक ऐसा बीमारी है कि अगर जिसको है उसके टच में जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप भी उसकी चपेट में आ जाए। तो जितने भी पेशेंट जो है वो एडमिट हो रहे हैं हॉस्पिटल में, अब उनको भोजन या फिर दवाई वितरित करने के लिए रोबोट जो है इसका सहायता लिया जा रहा है। और इसका पहला परीक्षण करने वाला कौन सा अस्पताल है ये आपको बताना है। तो वो अस्पताल है आपका सवाई मान सिंह हॉस्पिटल, जो आपका जयपुर में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारे सामने, किस राज्य की सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर, जितने भी पेंशन भोगते हैं ना उनके लिए महंगाई भत्ते को 17% तक जो है वो बढ़ा दिया है? और ऐसा करने वाला राजस्थान सरकार है, ऑप्शन नंबर आपका डी। और राजस्थान के कैपिटल जयपुर, राज्यपाल कौन है वहां के? कलराज मिश्रा। और अगर वहीं पर बात करूं वहां के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। ठीक है, आप बोलेंगे भैया क्लास बहुत जल्दी खत्म हो रहा है, देखो क्वेश्चन आप सभी के टोटल 23-24 है, ऐसा नहीं क्वेश्चन में कोई कमी है, क्वांटिटी में कोई कमी नहीं है। ठीक है, थोड़ा मैं जल्दी करवा रहा हूं ताकि क्लास जो है वो बहुत लंबा ना हो जाए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, मुंबई मेट्रो लाइन 3 ने जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी से कितने करोड़ रुपए का लोन लिया है? मुंबई मेट्रो ने, तो यह लोन लिया गया है आपका 2480 करोड़ रुपए का, ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, तो मुंबई मेट्रो ने लाइन 3 जो बीच रहा है उसके लिए जो जापान का इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी है उससे जो है वो 2480 करोड़ रुपए का जो है वो लोन लिया है। अगला प्रश्न हमारे सामने, भारत सरकार ने कोरोना वायरस का ट्रैक करने और सकारात्मक मामलों की पहचान करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो वो एप्लीकेशन का नाम है कोरोना कवच, ऑप्शन नंबर बी। हालांकि अगर मैं सच्चाई बताऊं ना तो जो भी एप्लीकेशन वगैरह लॉन्च किया जा रहा है ये उतना सही रिजल्ट नहीं दे रहा है। आपको पता होगा अगर जियो का एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं तो जियो ने भी एक आपका अपना जो है वो एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, वो लेकिन सटीक रिजल्ट नहीं बता रहा है। हाँ कुछ हद तक, लेकिन सटीक नहीं बोल सकते। ठीक है, लेकिन एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा कि केंद्र सरकार के द्वारा कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था जिसके द्वारा रोगियों की पहचान हो सके, तो उस एप्लीकेशन का नाम याद रखना कोरोना कवच, ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिक्शन के लिए द हिंदू प्राइज 2019 से किसने जीता है? फिक्शन के कैटेगरी में द हिंदू प्राइज 2019 का विजेता का नाम बताना है, और वो है आपका मिर्जा वाहिद, ऑप्शन नंबर आपका
सी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, कोविड 19 रोगियों का देखभाल करने वाले डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए किसने बॉडी सूट विकसित की है? आप सभी को पता है ना कि जो भी डॉक्टर है, नर्स है, वो एक ऐसा कॉस्ट्यूम जो पहन रही है जो ऊपर से नीचे से पूरा ढका हुआ है, वो पूरा का पूरा बॉडी जो किट है वो कौन बना रहा है? तो वो बना रहा है आपका डीआरडीओ के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। और आज का आपका पहला प्रश्न यहीं से निकल कर आ रहा है। आप सभी को कमेंट कर कर ये बताना है कि डीआरडीओ के चेयरपर्सन कौन है, डीआरडीओ का डायरेक्टर कौन है। चेयरपर्सन डायरेक्टर दोनों अलग है, दोनों का नाम बताना है। प्लस डीआरडीओ का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहां पर है, ये तीन चीज आपको डीआरडीओ के बारे में कमेंट कर कर बताना है। यह आपका आज का पहला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, एक वर्ष की अवधि के लिए आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आप सभी को पता है कि चार डिप्टी गवर्नर होते हैं आरबीआई के, पता है ना। तो एक तो आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन नंबर बी, माइकल डी पात्रा, तो ये अभी आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। जुलाई 2020 में एनएस विश्वनाथन का जो है वो रिटायरमेंट होने वाला है, लेकिन ये अभी ये पद पर हैं, तो दो हो गए। तीसरा जो है आपका एमके जैन, ये भी जो है वो तीसरे आरबीआई डिप्टी गवर्नर है। चौथा कौन है भैया जिसे नियुक्त किया गया दोबारा से, तो उनका नाम है आपका बीपी कनाउजो, ऑप्शन नंबर आपका ए। तो चार हो गए ना, तो याद रखिएगा आरबीआई के चार डिप्टी गवर्नर होते हैं और चारों का नाम मैंने आप सभी को यहां पर बता दिया है। अगला प्रश्न हमारे सामने, भारत पे जैसे फोन पे है, पेटीएम है, या फिर अमेजन पे है, सैमसंग पे है, जैसे ये क्या है, एक वैलेट है जिससे आप पेमेंट वगैरह कर सकते हो, पेमेंट ले सकते हैं, वैसे भारत पे भी क्या है, एक एप्लीकेशन है, एक वैलेट है डिजिटल। तो भारत पे ने किस 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 कंपनी के साथ जितने भी दुकानदार हैं उनके लिए कोविड 19 बीमा कवर लॉन्च किया है, यानी जितने भी दुकानदार हैं उनके लिए जो है एक इंश्योरेंस बनाया गया है भारत पे ने, किसके साथ मिलकर, तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ मिलकर, ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, उस भारतीय शॉर्ट पुटर का नाम बताना है जिसे डोप परीक्षण के लिए 4 साल के निलंबित कर दिया गया है। डोपिंग के मामले में पॉजिटिव पाया गया है इंडिया के कौन से शॉर्ट पुटर खिलाड़ी हैं, तो उनका नाम क्या है, नवीन चिकारा, ऑप्शन नंबर आपका बी। इनको 4 साल के लिए जो है वो बैन लगा दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, रेलवे के किस विभाग ने, यानी रेलवे का कौन सा विभाग है जिसने कोविड 19 रोगियों के लिए अस्पताल के आइसोलेशन कोच का पहला प्रोटोटाइप बनाया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, और ये बनाया गया है आपका नॉर्थ एंड उत्तरी रेलवे के द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला प्रश्न हमारे सामने, किस राज्य की पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान व्यक्तियों और कर्मचारियों की आवाजाही के लिए एक एप्स पर अनुमति देने जो है वो शुरू की है? आप सभी को पता है ना, लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे लोग जो है वो रोड वगैरह पर नहीं निकल सकते हैं, अब ना आप देख रहे होंगे पुलिस वगैरह कैसे पीट रही है, लेकिन कहां की पुलिस ने एक एप्लीकेशन बनाया है जिसके माध्यम से आप, अगर आपको बाहर जाना है तो आप वहां पर उस एप्लीकेशन के माध्यम से पहले आपको परमिशन लेना पड़ेगा, और यह एप्लीकेशन कहां के पुलिस के द्वारा बनाया गया है यह आपको बताना है। तो यह बनाया गया है आपका राजस्थान के पुलिस के द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका डी। और मैं बता चुका हूं राजस्थान के सीएम कौन है, अशोक गहलोत। राजस्थान के राज्यपाल कौन है, तो कलराज मिश्रा। राजधानी क्या है, तो आप सभी को पता है भैया राजधानी आपका जयपुर है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 10 किलोमीटर के दायरे में फूड पार्सल पहुंचाने के लिए प्रतिदिन 500 भोजन परोसने के लिए किस राज्य में मोदी किचन स्थापित किया गया है, और यह बनाया गया है आपका तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर डी। तमिलनाडु के सीएम कौन है, इडापड़ी के पलानी स्वामी। राज्यपाल की बात करें बनवारीलाल पुरोहित, और कैपिटल क्या है, तो वो है आपका चेन्नई। अगला प्रश्न हमारे सामने, एक पुस्तक है जो बहुत फेमस पुस्तक है, वर्ल्ड फेमस पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम क्या है, द डेथ ऑफ जीसस,
यह किसने लिखी है और ये इसका थर्ड एडिशन है, ये भी आप याद रखिएगा। ये किसके द्वारा लिखा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत वर्ल्ड फेमस पुस्तक है, द डेथ ऑफ जीसस। और ये किताब लिखा गया है आपका जेम कोटजी के द्वारा, जेम कोटजी के द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, कौन से संस्थान ने संगरोध में उन लोगों द्वारा उल्लंघन पर नजर रखने के लिए दो ऐप का विकसित किया है। हालांकि है क्या क्वेश्चन, पहले आप सभी को बता दूं, जो भी लोग शक के दायरे में आ रहे कोविड-19 के, उनको क्या किया जा रहा है, क्वारंटाइन किया जा रहा है 14 दिन के लिए, उनको सबसे अलग रखा जा रहा है। अब ऐसे में क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग जो है वहां से भाग जा रहे हैं, तो उनके ऊपर निगरानी रखी जा सके इसीलिए दो एप्लीकेशन बनाया गया है, ताकि उस एप्लीकेशन के द्वारा उनके ऊपर पूरा नजर जो है वो रखा जा सके। वो एप्लीकेशन जो है वो किस आईआईटी के द्वारा बनाया गया है, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। और वो एप्लीकेशन बनाया गया है आपका आईआईटी बॉम्बे के द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला प्रश्न हमारे सामने, कोविड-19 की चिंताओं के कारण आत्महत्या करने वाले थॉमस सेफर किस देश के वित्त मंत्री थे। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था, जर्मनी के जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने सुसाइड कर लिया है, तो उनका नाम क्या था, उनका नाम था आपका थॉमस स्केफर, ठीक है, थॉमस सेफर बोलिएगा, ठीक है। और ये कहां के वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर, तो वो थे आपके जर्मनी के। अगला प्रश्न हमारे सामने है, फिच सॉल्यूशन इनके अनुसार वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए भारत का जीडीपी दर कितना रहने वाला है। और आप सभी को पता है, अभी तो जितने भी संस्थान हैं जो प्रिडिक्शन करते हैं, जो अनुमान लगाते हैं इंडिया का जीडीपी, वो सभी क्या कर रहे हैं, 5% से भी जीडीपी जो है वो भारत का कम कर दिए, और बस भारत का नहीं सभी देश का कम हो रहा है। तो फिच रेटिंग के द्वारा कितना अनुमान लगाया गया है, तो वो लगाया गया है वित्त वर्ष 21 के लिए 4.6% का, ऑप्शन नंबर आपका डी। तो ये थे, थोड़ा सा क्लास जल्दी करवाया हूं, फिर भी क्लास जो है मोटा मोटी आप सभी का 19 मिनट में क्लास खत्म कर दी है। सो इसका पूरा पीडीएफ आप सभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक क्लास का अपडेट आप सभी को मिलता रहे। सो मेरे जितने भी भाई बहन हैं, सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आप गुड मॉर्निंग बोला, सॉरी गुड नाइट, आदत हो चुका है। और जितने भी मेरे भाई बहन हैं, सभी को गुड नाइट, और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ही ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। चलिए।